हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो अपन लेके आने वाले हैं वो होने वाली है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन स्क्रैम 411 का एक डिटेल वॉक अराउंड। तो यार, हिमालयन का एक मतलब नया अवतार इसको आप कह सकते हो जो रॉयल इनफील्ड ने अभी लॉन्च करा है और अपने पास है ये। तो इसका एक जो है डिटेल में वॉक अराउंड कर देते हैं, क्या क्या पावर है, क्या प्राइस है, क्या सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का जो है बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल, ताकि जो है इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं भाई यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट से। तो फ्रंट में जो है आपको हिमालयन से चेंज टायर यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में जो टायर दिया गया है आपको भाई वो दिया गया है 190/19 का। और यहाँ पे जो बाइक है ये आपको डुअल चैनल ABS में मिलती है, जिसमें फ्रंट वाले डिस्क की साइज 300 mm है। आगे की तरफ चलते हैं भाई, तो यहाँ पे जो है मडगार्ड वगैरह की क्वालिटी, जैसे एज यूजुअल आप लोग को पता है जो रॉयल इनफील्ड की जो क्वालिटी होती है, जो बिल्ड क्वालिटी भी मान लो या फिर जो इनके पार्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी होती है, उसी पे ये बाइक भी खरी उतरी है। और काफ़ी अच्छा जो है अपन को यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी इसके मडवाइजर की देखने को मिलती है। हालांकि अब की बार ये जो है आपको फाइबर प्लास्टिक में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी मजबूत और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है टिकाऊ काम करा हो कि वेट कम करा है, आपको फाइबर प्लास्टिक दिया है तो टिकाऊ काम कुछ नहीं किया भाई, काफ़ी मजबूत है। आगे की तरफ चलते हैं सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑल सारी रॉयल इनफील्ड्स में आते हैं। अभी तक ये लोग USD फॉक्स पे जो है ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। यहाँ पे भी आपको नॉर्मल जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि अपन राइड रिव्यू में बताएंगे कैसे क्या वर्क करते हैं, वैसे काफ़ी अच्छा जो है वर्क करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ पे आपको हेडलैम्प में, तो अभी भी जो है रॉयल इनफील्ड अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए आपको राउंड शेप में हेलोजन हेडलैम्प ही दे रहा है। अभी ये लोग जो है LED पे मूव ऑन नहीं हुए हैं। राउंड शेप में हेडलैम्प बहुत प्यारा लग रहा है और जो इसकी विजिबिलिटी है ना, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे बना चुका हूं, तो आप जाके देख सकते हो। आपको जो है आई कार्ड में इसका लिंक डाल दूंगा मैं भाई, बहुत ही अच्छी जो है इसकी नाइट विजिबिलिटी है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल आपको जो है इंडिकेटर मिल जाते हैं, वही बल्ब टाइप इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आ गई जो कि एक 3D टाइप में है और काफी अच्छा लग रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाता है, ये इग्निशन। और अब वो सिस्टम रॉयल इनफील्ड हटा चुकी है कि भाई पहले गर्दन में चाबी लगानी पड़ती थी और इनकी गर्दन खोलनी पड़ती थी, वो सारा सिस्टम बंद हो गया है। डायरेक्ट यहीं से इग्निशन ऑन ऑफ आपको सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हालांकि सेमी डिजिटल यहाँ पे आपको जो है मीटर देखने को मिलता है, जिसमें आपको एनालॉग में मिलती है यहाँ पे स्पीड। और यहाँ पे जो है आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पे आपका गियर पोजीशन, टाइम और ये आपकी फ्यूल बार रेंज, ये सब देखने को मिल जाती है। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, यहाँ पे ABS वगैरह का साइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये हालांकि जो आपका एक तरह से नेविगेशन है ये, जो कि आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज में लगवाना पड़ेगा, ये आपको बाइक के साथ नहीं मिलता है। बाकी यह काफ़ी अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपका मैप बना हुआ आ जाता है, आप फ़ोन से कनेक्ट कर लोगे रॉयल इनफील्ड की ऐप से। वो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कैसे क्या कनेक्ट करना है, पर काफ़ी जो है हेल्पफुल है। अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हो, आपको रास्ते वगैरह नहीं पता है, तो एक तरह से आपको फ़ोन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर हैंडल पर कहीं फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप फॉलो करके आपका डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच, यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें ऑप्शन हजार्ड वाला, देखो यहाँ पे जो है इनबिल्ट हजार्ड दिया है, तो आपको वायरिंग वगैरह नहीं करानी। इस तरह से हजार्ड वर्क करता है, आपके जो चारों इंडिकेटर हैं ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं, बट इसको आप जब पार्किंग में हो तभी यूज़ करें, इसको वैसे नॉर्मल जो है यूज़ ना करें। तो ये बात हो गई इसकी। बटन्स वगैरह की बात करूँ, यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास, हॉर्न, ये आपके इंडिकेटर का बटन्स। एज यूजुअल रॉयल इनफील्ड क्वालिटी हमेशा प्रीमियम रखता है, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। हैंडल बार यहाँ पे आपको सिंगल हैंडल बार देखने को मिलता है, जिसकी हैंडल की जो पोजीशनिंग है काफ़ी प्यारी है। और बाकी ज़्यादा डिटेल में अपन राइड रिव्यू में बात करेंगे, लेकिन अगर अभी मतलब आपको ब्रीफली बताऊँ तो काफ़ी अच्छी हैंडलिंग इस बाइक की है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं साइड मिरर जो कि राउंड शेप में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं और जिनका लुक बहुत अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे बाकी आगे की तरफ चलते हैं, 3 कलर्स में ये बाइक हाल फिलहाल अवेलेबल है। ये वाला जो कलर ऑप्शन है ब्लू में, यहाँ पे आपको डुअल टोन में कलर मिल जाता है भाई। टैंक पे आपको ब्लैक और सिल्वर मैट में कलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हिमालयन स्क्रैम 411 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बाइक के लुक्स बहुत प्यारे हैं, काफ़ी
आगे चलते हैं इसके पावर फीचर इंजन की तरफ, तो वही हिमालयन वाला 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको 24.3 पीएस की पावर देखने को मिलती है और 32 एनएम का टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हैवी टॉर्क गाड़ी है, ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो, पहाड़ों पर जाते हो, तो बहुत आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस बाइक देने वाली है। बात करते हैं टैंक साइज की, तो बड़ा टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो लॉन्ग राइड पे जब आप लोग जाते हो तो जो है आप लोगों को बार बार पेट्रोल फिल कराने की टेंशन से छुटकारा मिलता है। 15 लीटर का टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और माइलेज टेस्ट मैं इसका कर चुका हूँ, 30 के आसपास आप इसका नॉर्मल माइलेज जो है मान के चलो। यहाँ पे आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिलता है, कोई स्प्लिट सीट नहीं है, सीट की कुशनिंग और सीट का कंफर्ट टॉप नॉच है। सीट हाइट की बात करें 795 mm का यहाँ पे आपको जो है सीट हाइट देखने को मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई बाइक का काफ़ी अच्छा है और आप ऑफ रोडिंग वगैरह वाले वीडियोज़ मेरे देख चुके होंगे, उनमें बाइक ने कहीं भी जो है परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी, तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। आगे चलते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वही इंडिकेटर्स वगैरह, टेल लैंप वगैरह सब आपको हेलोजन में देखने को मिलता है। ये पीछे अब की बार आपको ग्रैब रिल दी है जो कि काफ़ी मजबूत है, बट यहाँ पे आप टॉप रैक वगैरह लगवा सकते हो टूरिंग करने के पर्पस से। यहाँ पे आपको नॉर्मल फुटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी एज़ यूजुअल रॉयल इनफील्ड क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। चेन सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पीछे रियर टायर की बात करें तो वही हिमालयन वाला 120/90/17 का आपको यहाँ पे रियर टायर जो है देखने को मिल जाता है। बाकी इधर यहाँ पे जो है इंजन पे आपको रॉयल इनफील्ड वगैरह की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है और बाकी तो यार बाइक देख लो आप, काफ़ी अच्छी जो है लुक्स कंपनी ने दिए हैं। पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन आपको जो है देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बाकी ये सब है नॉर्मल डुअल चैनल एबीएस आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, एक बार एग्जॉस्ट साउंड आपको चेक करा देते हैं और उसी के साथ इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। भाई कुछ इस तरह का जो है आपको एग्जॉस्ट साउंड मैं सुना देता हूँ एक बार। एग्जॉस्ट का साउंड काफ़ी अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा बेस कम लगा, बेसी साउंड नहीं आ रहा। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट कर सकते हो। तो ये था भाई अपना इस बाइक को लेके एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।